बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ कंवल सज्जाद, लेकर आती हूँ आप लोग के लिए ब्यूटिशियन कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम लोग ये बिल्कुल बेसिक फ्रेंच चोटी बनाना सीखेंगे कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। आइए जी देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा मेरी क्लाइंट के बालों में अच्छा खासा वेव था, तो मैंने बालों को आयरन से स्ट्रेट कर लिया, ठीक है, ताकि मेरे हेयर स्टाइल में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। आप लोगों के पास भी जब कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसको फ्रेंच चोटी बनानी है या कोई भी ब्रेड बनानी है, तो आप लोग पहले क्या करो, अगर उनके बाल में वेव्स हो तो उसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल एक फ्लैट आयरन की नीड नहीं है, बस एक रैंडम सा आयरन करेंगे जिससे ये होगा कि जो हमारे वेव्स है ना वो ख़त्म हो जाए। ओके, अच्छा, इसके बाद मैंने ऊपर से एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, वो तकरीबन 2 से ढाई इंच का पार्ट है, और उसके बाद उसको मैंने उस पार्ट को है ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से 2 फिंगर्स को बालों के बीच में डाला और फिर उसके 3 हिस्से बना लिए। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपकी पार्टिंग्स जो है ना वो लेवल एक हर बाल का बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे कि तीनों हिस्सों को अपने फिंगर्स के ऊपर, देखो मैं किस तरह से हैंडल किया था मैंने उसको, वीडियो को आप पीछे बैक पे जाके अगेन देखो। उस तरह से आप उसको हाथों में रखो और एक एक स्टैंड लेते जाओगे ना, तो एक एक साइड से आप बाल उठाते जाओगे पार्टिंग की सूरत में, और उसको एक एक स्टैंड के साथ मिलाते जाओगे और अंदर की तरफ डालते जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो को आपको इस तरह के सीखने के लिए ना बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपकी होल्डिंग और ग्रिपिंग दोनों बहुत मैटर करती है हेयर स्टाइलिंग में, ठीक है। आपकी एक तो होल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सेकेंडली आपकी ग्रिपिंग। आप देखो मैंने कितना टाइटली इसको ग्रिप किया हुआ है, क्योंकि अगर हाथ थोड़ा सा भी लूज़ होगा ना तो चोटी का जो लुक है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, मतलब फिनिशिंग वाला लुक नहीं आएगा, ठीक है। और मैं देखो जितने भी दफ़ा एक एक लट उठा रही हूँ ना स्टैंड पे डालने के लिए, अपनी चोटी के जो स्टैंड उस पर डालने के लिए, उसको बार बार सही भी कर रही हूँ। जो भी उलझे हुए फैले हुए फ्रीजी हेयर्स हैं उनको सेट करते जाना है, और फिर उसको चोटी के जो बल है ना उसमें मिक्स करते जाना है, ठीक है। आप लोग ये 3-4 बार करोगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग की बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। बस आप लोगों को एक ग्रिपिंग, होल्डिंग, और जो आप हम उठाते हैं ना पार्ट, उसको बहुत प्रॉपरली उठाना है, और नीचे वाले बालों को भी है ना साथ साथ सेट करते जाना है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से प्रॉपरली उठाते जाए और नीचे वाले बालों को ऐसे ही छोड़ दें, तो पता है क्या होगा कि अगर हम नीचे वाले बालों को साथ साथ सेट नहीं करेंगे ना तो उसमें वो सारे बाल जो है ना एकदम गुच्छा होकर उलझ जाएंगे, ठीक है। ये देखो, अपने ही हाथों की मदद से आप उसको सेट करते जाओगे, फिर एक लट लेते जाओगे, उसको चोटी वाले बल में ऐड करोगे, उसको फोल्ड करोगे और फिर टर्न करते जाओगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मैंने ना एक तरफ से, अब उल्टे हाथ में मेरे नेल्स बढ़े ना तो मुझे बहुत आसानी हो रही थी, लेकिन ऊपर वाले बाल है ना वहाँ पर पार्टिंग मेरी सही नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ पार्टिंग्स को टेल कॉम के ज़रिए भी निकाला था। तो अगर आपके नेल्स छोटे ना तो आप लोग टेल कॉम के ज़रिए भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जब हमारे बाल नीचे की तरफ ख़त्म होते जाएंगे ना तो हम एंड में आते जाएंगे और सारे बाल हम लोग ले लेंगे, और इसके बाद जो है ना एक नॉर्मल जो प्लेन चोटी बनती है ना बचे हुए बालों से, फिर उस चोटी को बना लेंगे। ये देखो सारे बाल अब फिनिश हो गए, एक एक पार्ट लेकर अब मैं इसको प्लेन चोटी बना लूँगी, ठीक है। प्लेन चोटी के बाद बहुत कोशिश करनी कि हमारे पास जो रबर बैंड हो ना वो ब्लैक कलर में ही हो, लेकिन इन केस अगर हमारे पास ब्लैक कलर का रबर बैंड नहीं है तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को आगे करके दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे पास भी ब्लैक कलर का रबर बैंड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर क्या किया कि उसको चोटी को कवर किया इस वाले रबर बैंड से, और इसके बाद एक छोटी सी लट लिए और उसको जो रबर बैंड के इर्द गिर्द लगा के, एक जो छोटी पिन होती है ना, हेयर पिन होती है छोटी वाली, उसकी मदद से अंदर की तरफ से उसको लगा के टक कर दिया, ताकि क्या हो कि मेरा रबर बैंड छुप जाए और मेरी जो चोटी की फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छे से आ जाए। सही है, ये देखो इस तरह से एक पिन ले लो, पिन की मदद से इसको अच्छे से फिक्स कर लोगे ना तो क्या होगा कि आपकी जो चोटी की फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका रबर बैंड भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी के बाद नीचे वाले पार्ट पे ना मुझे ये बहुत दुमे दुमे पतली पतली से बाल नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसको भी एक अच्छा सा लुक दे देते, तो मैंने एक और रबर बैंड लिया और उससे जो है ना नीचे वाले हिस्से को अच्छी तरह से टाई कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल पैक हो जाए और मेरी होल्डिंग बहुत अच्छी हो जाए। जब मैं इस तरह से रबर बैंड लगा लूँगी ना तो जो चीज़ मैं करना चाह रही हूँ ना, आप लोग आगे देखोगे, वो मेरी होल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं अंदर तरफ ऐसे फोल्ड करूंगी, एक ट्विस्ट करूंगी और अगेन जो है ना इसके अंदर पिन लगा लूंगी, ठीक है। पिन जो है ना हम बिल्कुल छोटी वाली ले लेंगे और अच्छे से इसको फिक्स कर देंगे। आप देखो ये अब कितना खूबसूरत सा एक फिनिशिंग लुक दे रहा है ना, ठीक है। अच्छी तरह से पिन को लगा के इसको टक कर देंगे। और इसके अराउंड में जो बाल है ना उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, ताकि क्या वो खूबसूरत सा लुक लगे। अच्छा, अब ये मैंने इनविजिबल पिन लिए और इसके अंदर पर्ल्स है ना जो नॉर्मल लोकली मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाते हैं, उसको इनविजिबल पिन में फिक्स कर लिया और उसको मैं चोटी के एक एक बल पे लगा रही हूँ ताकि मेरी जो चोटी है ना उसका बहुत अच्छा सा लुक हो। अच्छा, ये वाला जो स्टाइल है ना आप मेहंदी, मायो और वेडिंग गेस्ट, मतलब अगर हमारी बहन की शादी है या ऐसी कोई शादी है, छोटा सा कोई फंक्शन है, उसमें ईजीली बना सकते हो। और ये प्लेन चोटी तो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बना के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा फैंसी लुक देना है तो इसके अंदर हम इस तरह से बीड्स लगा सकते हैं और ये बहुत 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 स्पेशल है मेहंदी और मायो के लिए और बहुत फेमस भी है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अच्छे मतलब बीड्स लगा लो। बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ्लावर्स आते हैं, कपड़ों के, ड्रेसिंग के, मैचिंग के बीड्स, फ्लावर्स सब लगा सकते हो। ओके, अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह बहुत सारे मज़ीद नए स्टाइल्स के साथ आगे मिलूँगी आप लोगों के साथ। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।